आज की वीडियो में मराठी अक्षर भारती जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की मराठी होती है वो पेपर अपलोड किया जा रहा है। ये पेपर एक बोर्ड पेपर है जो जुलाई 2019 में बोर्ड एग्ज़ाम में कंडक्ट हुआ था। उस टाइम पर पेपर पैटर्न 100 मार्क्स का था, अब आपका 80 मार्क्स का है। ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको रेफ़र कर लो और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से सॉल्व कर लो। मार्च 2019 का पेपर भी अपलोड किया गया है चैनल पर, मार्च 2020 का भी अपलोड है और एक सैम्पल पेपर भी अपलोड है। ये सारे पेपर प्रैक्टिस करने से आप लोग बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। तो पहला पैसेज दिया गया है यहाँ पे, माझा बाल मित्रानो, आप लोग रीड कर सकते हैं। उसके ऊपर दो क्वेश्चन दिए गए, का ते लिया, तो पैसेज में से ही ढूंढ के वो दो क्वेश्चन लिखना है आपको। पैसेज आप लोग रीड कर लो अच्छे से और उसके बेस पे आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। उसके बाद में दो आकृति दी गई है, लेखकाची लहानपनाची गुण वैशिष्ट्य, तो लेखक जब छोटा था तब उसका क्या क्या गुण था वो बताना है आपको, और लहानपनी छे लेखका छे दिवस भरचा कार्यक्रम, क्या क्या लेखक करते थे पूरे दिन के अंदर। तो एक्टिविटी क्वेश्चन को आपको पेन से सॉल्व करना है और जो फिगर दिया गया है एज इट इज़ वैसे ही फिगर आपको ट्राई करना है ड्रॉ करने के लिए। और इसके लिए आप लोग अगर स्टेंसिल यूज़ करते हैं तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। व्याकरण कृति पुढ़ील शब्दासाठी उतारात आलेले प्रतिशब्द लिया, प्रतिशब्द लिखना मेहनत और निद्रा के लिए पैसेज से ढूंढ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालील शब्दांचे वचन बदला, आपको वचन बदल कर ये दोनों का आंसर लिखना है। और लास्ट में एक स्वमत दिया गया है, उतारे अच्छा आधारे लेखक अच्छे बालपन तुमचा शब्दात लिया, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखना है। और पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आपको एटलीस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, उसके ऊपर आपको मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे पैसेज दिया गया है और उसके ऊपर एक वर्णन करा लिखा गया है, सृष्टेचे स्वप्न, क्या स्वप्न था उसका वो आपको लिखना है यहाँ पर। देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं बोर्ड पेपर सॉल्व करने से, तो इसीलिए जो भी बोर्ड पेपर्स आपको मिल रहे हैं उसको आपको जल्द से जल्द टाइम मैनेज करके सॉल्व करना चाहिए। तो मैसेज आप रीड कर लो, उसके नीचे एक्टिविटी है, चौकटी पूर्णग्रह पुस्तक अच्छे गाँव, और ये सब चार सिंपल से क्वेश्चन है उसको आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट, व्याकरण खालील शब्दांचे लिंग बदलून त्यांचा वाक्यात उपयोग करा, लिंग भी बदलना है और वाक्य में उपयोग भी करना है, इसीलिए वो 2 मार्क्स लिख दिया गया है। स्वमत पुस्तकांशी मैत्री करण्याचे फायदे तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा, तो बहुत सिंपल से आपको उसके फायदे लिखना है। नेक्स्ट, अपठित गद्यांश एक मैचअप दिया गया है और मैचअप के आंसर आपको पैसे से मिल जाएंगे, शेतकरी रातरानी वो सब आप यहाँ से मैच कर सकते हो। वेल ही फार मौल्यवान गोष्ट है, तो टाइम के ऊपर है पैसेज है। उसके नीचे दो क्वेश्चन देख लो आप लोग, ऊपर ऑलरेडी दो क्वेश्चन जा चुके हैं, नीचे भी दो क्वेश्चन है, प्रत्येक की एका वाक्य उत्तर लिया, वेलावर काय कड़ाइले हवे, वेल ना ही सबब केवा दिली जाते, टाइम नहीं आप लोग जो बोलते रहते हैं वो टॉपिक पे बताया गया यहाँ पर। व्याकरण खाली नामा साठी उतारात आलेल्या योग्य विशेषणे शोधन लिया, तो इसके लिए कौन कौन से विशेषण एडजेक्टिव दिए गए हैं आपको पैसेज से ढूंढ के लिखना है, डैश कामे डैश गो डैश मान से डैश छन, बहुत सिंपल से 3 क्वेश्चन थे यहाँ पे। और स्वमत तुम्हारा कर ले वेला से महत्व सुधारण लिया, तो ये चीज़ भी आपको पैसेज में थोड़ा बहुत मिल जाएगी, आपको बस उसको सेंटेंस में प्रॉपरली फ्रेम करना है। अपठित गद्यांश बहुत स्कोरिंग रहता है, सिंपल से क्वेश्चन रहता है वैसे से आप लोग उसको फुल स्कोर कर सकते हैं वहाँ पे। कविता से आधार सूचना सार कृति करा, तो ये कविता रीड करके उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। पहला एक आकृति दिया गया है और नीचे कविता है, तो ये कविता को अच्छे से रीड करके आपको उसको सॉल्व करना है। उदाहरण लिया, योगी सर्वकाल सुखदाता यांचे कौनता ही एक उदाहरण प्रस्तुत अभंगाचे आधार लिया, एक उदाहरण लिखना है। और उसके बेस पे और क्वेश्चन पूछा गया है, तख्ता पूर्ण करा, यहाँ पे इसको पूर्ण करना, योगी पुरुष और जीवन पानी इसको पूर्ण करना है आपको। खालील ओली दिल तुम्हारा समझ ले विचार तुमचा शब्दात लिया, पोएम की लाइंस को आपको एक्सप्लेन करना है। लास्ट के दोनों क्वेश्चन उसी टाइप के है। ओके, नेक्स्ट, खालील मुद्याने अनुशासन कौनत्या अनुसरुण
कोणत्याही एका कवितेसंबंधित खालील कृती सोडवा. तो दोन दिवस या हिरवगार झाडासारखं, इसके ऊपर आपको एप्रिसिएशन लिखना है. एप्रिसिएशन आपको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में जो न्यू पैटर्न है उसमें कंपलसरी एप्रिसिएशन आ रहा है. और ये पॉइंट्स पे लिखना है आपको. प्रस्तुत कवितेचे कवि या कवयित्री कौन है वो लिखना है. कवितेचे रचना प्रकार, कवितेचे काव्य संग्रह, विषय क्या है, व्यक्त होणारा विचार, कवितेतून मिळणारा संदेश. तो इस पॉइंट्स पे आपको ये लिखना है. और ये 8 मार्क्स के लिए आता है, तो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग रहता है ये. इसको आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए. खालील ओलीन से रस ग्रहण करा, इसका आपको मीनिंग्स कर लिखना है. और आप क्या, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है यहाँ से, क्या समझा है आपको ये ओली से, वो लिखना है. नेक्स्ट रैपिड स्थूल वाचन, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं ब्रीफ में, वो आपको लिखना होता है. टिप लिया, और ये 3 में से कोई आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है रैपिड के. कुछ चैप्टर्स जो रेड्यूस सिलेबस से ओमिट है वो भी यहाँ पे इंक्लूड रहेगा, तो आपको वो क्वेश्चन स्किप करना रहेगा. तो ये समास वाला टॉपिक, ये सब अलंकार जो है, ये सब टॉपिक थोड़े ओमिट हो चुके हैं, ये पहले थे, अभी आप लोग को नहीं है. उसके बाद में वाक्य रूपांतर, खालील प्रकांश ओलखून सूचने प्रमाणे कृति करा, विधानार्थी अज्ञार्थी, तो ये आप लोग के सिलेबस के अंदर ही आपको करना है. फिर सामान्य रूप और विभक्ति प्रत्यय क्या है वो लिखना है आपको. और वाक् प्रचार, कंसादिल वाक् प्रचार, वाक्यात योग्य ठिकानी वापरून वाक्य पुनः लिया. आपको प्रॉपर मुहावरे जो हिंदी में रहता है उस तरह से आपको चूज़ करके उसको रिप्लेस करना है, ये दिया गया यहाँ पर. फिर भाषा सौंदर्य, ये तो बहुत सिंपल सा रहता है. समानार्थी, विरुद्धार्थी, लिंग बदला, वचन बदला, और शब्द समूह बदल एक शब्द, ये 5 में से 4 क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं. समानार्थी, विरुद्धार्थी, वचन बदला, लिंग बदला, और शब्द समूह के लिए एक शब्द. तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन शब्द समूह साठ एक शब्द दिया वही है. सेकेंड विरुद्धार्थी है. थर्ड, हाँ, अचूक, इसमें जो ऑड मैन आउट जो अलग लग रहा है आपको वो चूज करके लिखना है. और खालील शब्द पसंद, 2 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा. 1 रक्षक से आपको 2 अर्थपूर्ण शब्द बनाना है. और यहाँ पे मेंशन किया गया 1 और रक्षक आपको नहीं लेना है, तो और कोई वर्ड आपको बना सकते हैं आप लोग इजीली. नेक्स्ट लेख नियमानुसार लेखन, खालील वाक्य लेख नियमानुसार लिया. अगर यहाँ पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक रहती है वो आपको सही करना होता है. नॉर्मली हिंदी मराठी में स्पेलिंग मिस्टेक्स ही रहती है, इंग्लिश के अंदर आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक मिलती है. तो संस्कृति का सही वर्ड कौन सा है और कनिष्ठ के लिए सही वर्ड कौन सा है वो चुन के लिखना है. देखो कितना सिंपल सा ग्रामर क्वेश्चन पूछा गया है. फुल मार्क्स 18 मार्क्स जो यहाँ पे स्कोरिंग है आप लोग के लिए. विराम चिन्ह के नाम बताना है आप लोगों को. खालील वाक्य में विराम चिन्ह नावे लिया, तो इसमें कौन कौन से विराम चिन्ह है सबके नाम लिखना है आपको. और पारिभाषिक शब्द इंग्लिश वर्ड को आपको मराठी में क्या बोलते हैं वो लिखना है. और जगमय सारखा ने 2 शब्द लिया, तो जगमय सारखे 2 शब्द लिया, ऐसे आपको 2 वर्ड लिखना है. नेक्स्ट राइटिंग स्किल पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है मराठी के अंदर. राइटिंग स्किल्स में जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है राइटिंग स्किल्स में आपको बहुत टाइम लगता है, तो अच्छा खासा टाइम आपका सेव रहना चाहिए. एटलीस्ट 1 या 1.5 आवर आपको राइटिंग स्किल को देना चाहिए, तब आप थोड़ा अच्छा कंटेंट लिख सकते हो. और इसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है. तो पत्र लेखन के अंदर आपको 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो उसको आप लोग फॉर्मल में लिखो, सेम कंटेंट रहेगा, या तो उसको फॉर्मल में लिखना है या फिर आपको इनफॉर्मल में लिखना है. तो बेटर गो फॉर फॉर्मल लेटर, ज़्यादा स्कोरिंग रहता है, ज़्यादा इजी रहता है, कंटेंट भी कम रहता है, और ग्रामेटिकल मिस्टेक होने के चांस भी कम रहते हैं. और एक आध फॉर्मल लेटर आप लोग पढ़ लियो तो बाकी जगह पर वही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग. सारांश लेखन, यहाँ पे ऑप्शन रहता है. पत्र लेखन और सारांश के अंदर आपको ऑप्शन रहता है, तो कोई एक करना रहता है. पहले नहीं था ऑप्शन, अब ये ऑप्शन आता है, तो आपको कोई एक करना होता है. और ये सारांश आपको अनसीन जो पैसेज है उसके बेस पे करना होता है, ठीक है. नेक्स्ट खालील कृति सोडवा, सारांश मतलब जो पैसेज को 1/3 करते हैं आप लोग, इंग्लिश में भी रहता है ये. तो बातमी लेखन है, यहाँ पे खालील मुद्दे वाचा व त्या खालील कृति सोडवा. नेक्स्ट कथा लेखन, खालील अपूर्ण कथा वाचा तुमचा विचार व कल्पत तेने ती कथा पूर्ण करा. तो स्टोरी रीड करके आपको फ्रेम करना है जो जो पॉइंट्स है उसके बेस पे.
नेक्स्ट लास्ट है आपका निबंध लेखन, जो प्रसंग लेखन बोलते हैं आप लोग उसको, कौनताई एकाकृति सुरवा। तो पहला है आदर्श मंडल, वरील साराम प्रसंगी तुम्ही तुमच्या लहान भावाचे बहिणीचे कौतुक करण्यासाठी उपस्थिती होता अशी कल्पना करून प्रसंग लेखन करा। आपको ऐसा सोच के ये लिखना है। नेक्स्ट आत्मावृत, तो पेड़ की आत्मावृत लिखना है। तो दो ऑप्शन आपको, या तो प्रसंग लेखन या फिर आत्मावृत। तो इस तरह से आप लोग का पेपर मराठी का, ये अक्षर भारती का 80 मार्क्स का पेपर था। पेपर काफ़ी सिंपल है, अगर आप लोग ने इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया तो बोर्ड के लिए आपकी अच्छी सी तैयारी हो जाएगी।